लेकर आई हूँ? व्याकरण। और व्याकरण में भी हम कौन सा टॉपिक सीखने वाले हैं? सर्वनाम, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोनाउन। इंग्लिश में क्या कहेंगे? प्रोनाउन। यस बच्चा, आज की इस वीडियो में हम सर्वनाम को समझेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक, सर्वनाम। सर्वनाम शब्द का अर्थ क्या होता है? सर्वनाम शब्द किसे कहते हैं? सर्वनाम की डिफाइन क्या होती है? ये सब कुछ जानने से पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताना चाहती हूँ। इन एग्जाम्पलों को जानने के बाद आपको सर्वनाम शब्द को समझने में थोड़ी हेल्प मिलेगी। आप स्वयं ही सर्वनाम शब्द का अर्थ समझ जाओगे। तो और उसी के साथ साथ एक और बात मैडम मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में संज्ञा को समझा था कि संज्ञा किसे कहते हैं। मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भावों के नामों को ही हम संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के द्वारा हम किसी न किसी चीज की पहचान देते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो नाम होते हैं उन नामों को ही हम संज्ञा कहते हैं। तो ये सर्वनाम जो हमारा आज का टॉपिक है वो संज्ञा से जुड़ा हुआ है। सर्वनाम को समझने से पहले हमें संज्ञा को अच्छे से समझना होगा, जो मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में अच्छे से समझाया था। तो यहाँ कुछ ये सेंटेंस लिखे हुए हैं, उनको रीड करते हैं और इनको ध्यान से देखते हैं। सीता बाजार गई और उसने वहां से सब्जियां खरीदी। सीता बाजार गई, मैंने अभी बताया था कि हमें संज्ञा को पहले जानना पड़ेगा। इसमें संज्ञा क्या है? सीता और बाजार, है ना। सीता एक व्यक्ति का नाम में आता है और बाजार वो एक प्लेस में आता है, एक स्थान का नाम है। तो सीता बाजार गई और उसने वहां से सब्जियां खरीदी। तो सीता और बाजार ये दोनों क्या है? संज्ञा है। क्या है? ये संज्ञा है। सीता भी संज्ञा है और बाजार भी संज्ञा है। यहाँ तक तो आप सबको बच्चा मैंने अच्छे से समझा दिया था। अब आगे देखो, और उसने वहां से सब्जियां खरीदी। अब यहाँ पे दो शब्दों को मैं और अंडरलाइन कर रही हूँ, उसने और वहां। ये आपके लिए एक नया है, उसने शब्द और वहां शब्द। आप इस सेंटेंस को रीड करोगे ना तो ये दोनों शब्द जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? सीता और बाजार से। सीता बाजार गई और उसने वहां से सब्जियां खरीदी। उसने, उसने किसने? सीता ने। किसको बता रहा है ये उसने शब्द? किसके लिए आया है? सीता के लिए आया है। उसने वहां से, वहां से कहां से? बाजार से। वहां से, वहां से मतलब कहां से? बाजार से। और बाजार हमारा क्या है? संज्ञा शब्द है। सीता हमारा क्या है? संज्ञा शब्द है। इन दोनों के लिए हमने यहाँ पर कुछ नए शब्द यूज किए हैं, नए शब्दों का प्रयोग किया है। सीता के लिए हमने उसने शब्द का प्रयोग किया और बाजार के लिए हमने वहां शब्द का प्रयोग किया है। तो आप ध्यान से सुनना बच्चा, मैं अब यही चीज बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पर हमने संज्ञा की जगह पर सीता और बाजार दोनों संज्ञा है और उसकी जगह पर हमने दूसरे शब्दों का प्रयोग किया है और इन्हीं को ही हम सर्वनाम कहते हैं। अब हर बार तो हम ये नहीं लिख सकते कि सीता बाजार गई, सीता बाजार से सब्जियां लाई, सीता बाजार से सब्जियां लेकर घर पे आई। इस तरह से हम बार बार सीता और बाजार शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। जब एक बार हमने संज्ञा के बारे में वर्णन कर दिया, उसके बाद संज्ञा के स्थान पर जब हम दूसरे शब्दों का प्रयोग करते हैं, सीता और बाजार दोनों संज्ञा शब्द थे और उसके प्लेस पर हमने एक बार सीता और बाजार का यूज करने के बाद में दूसरे शब्दों का प्रयोग किया, उसने और वहां। तो ये दोनों शब्द यहाँ पर संज्ञा के स्थान पर आए हैं। संज्ञा की जगह पे संज्ञा को ना लिख कर हमने दूसरे शब्दों का प्रयोग किया, उसी को ही हम सर्वनाम कहते हैं। आया बेटा समझ में? उसी को ही हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो दोनों शब्द हैं, ये दोनों के दोनों क्या है? सर्वनाम है। उसने शब्द और वहां शब्द दोनों सर्वनाम है। क्यों सर्वनाम है? क्योंकि ये संज्ञा के प्लेस पर आए हैं, है ना। हमने क्या कहा? सीता और बाजार। सीता और बाजार के लिए हमने उसके प्लेस पर क्या यूज किया? उसने और वहां। तो संज्ञा के प्लेस पर हमने क्या यूज किया? सर्वनाम को यूज किया। तो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द काम में आते हैं उसे ही हम सर्वनाम कहते हैं। देखो हमारी डिफाइन भी बन गई। हाँ।
हमने डिफाइन अभी तक पढ़ी ही नहीं कि सर्वनाम की डिफाइन क्या है। इस एग्जांपल से ही हमने डिफाइन को समझ लिया। तो आया बच्चों समझ में? चलो अब इसी तरह से हम सेकेंड एग्जाम्पल भी देखते हैं। रमेश प्रतिदिन विद्यालय जाता है, वह तीसरी कक्षा में पढ़ता है। ध्यान से सुनना बच्चा, रमेश प्रतिदिन विद्यालय जाता है, वह तीसरी कक्षा में पढ़ता है। संज्ञा क्या है? रमेश। संज्ञा क्या है? रमेश। और उसके लिए यहाँ पर हम क्या है? वह। ऐसे तो हमारे पास में विद्यालय ये भी एक संज्ञा शब्द है, पर इसके लिए यहाँ पर आगे सर्वनाम शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, तो हम विद्यालय को अभी अंडरलाइन नहीं करेंगे। पर रमेश, रमेश के लिए हमने यहाँ पर दूसरा शब्द का प्रयोग किया है। रमेश क्या है? संज्ञा है। और संज्ञा के स्थान पर हमने क्या प्रयोग किया? सर्वनाम का प्रयोग किया, दूसरे शब्द का प्रयोग किया। रमेश की जगह पर रमेश ना लिखकर हमने क्या लिखा? वह। और ये वह शब्द किसके लिए आया है? रमेश के लिए। रमेश प्रतिदिन विद्यालय जाता है, वह तीसरी कक्षा में पढ़ता है। कौन तीसरी कक्षा में पढ़ता है? किसके लिए कहा गया है? रमेश तीसरी कक्षा में पढ़ता है। तो संज्ञा की जगह हमने सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया। तो ये वह जो शब्द है वही हमारा क्या है? सर्वनाम है। यहाँ पर उसने शब्द आया, वहाँ शब्द आया, वह शब्द आया, ये सारे शब्द किसको बता रहे हैं? सर्वनाम को बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये संज्ञा के प्लेस पर काम में आ रहे हैं, संज्ञा के स्थान पे काम में आ रहे हैं। संज्ञा को हटाया तब जाके हमने ये शब्द का प्रयोग किया। क्लियर? तो चलो अब हम आगे एक और एग्जाम्पल देखते हैं। कल अंकुर का जन्मदिन था, उसे तरह तरह के उपहार मिले। कल अंकुर का जन्मदिन था, उसे तरह तरह के उपहार मिले। संज्ञा क्या है? अंकुर। अंकुर क्या है? संज्ञा। और उसके लिए उसके स्थान पर हमने क्या शब्द का प्रयोग किया? उसे। उसे यहाँ पर किसके लिए आया है? किसे तरह तरह के उपहार मिले? अंकुर को तरह तरह के उपहार मिले। तो ये उसे शब्द क्या है? सर्वनाम है। क्यों है सर्वनाम? क्योंकि ये संज्ञा के प्लेस पर आया है, क्योंकि ये अंकुर के प्लेस पे आया है। अंकुर की जगह पर अंकुर ना लिखकर हमने दूसरा शब्द लिखा है। संज्ञा के प्लेस पर संज्ञा को ना लिखकर हमने दूसरा शब्द लिखा, और यही दूसरा शब्द हमारे लिए क्या है? सर्वनाम है ना? अच्छा, मुझे एक चीज और आपको बता दी बेटा, यहाँ पर ये अगर सीता ना होता, यहाँ रमेश ना होता, अंकुर ना होता, अगर यहाँ पर सीता की जगह गीता होता, मीता होता, मीना होता, कोई भी नाम होता, रमेश की जगह सुरेश होता, गणेश होता, अंकुर की जगह पे भी कोई दूसरा नाम होता, तो क्या हमारे ये शब्द चेंज होते? अगर यहाँ पर गीता है, गीता बाजार गई, तो गीता के लिए यहाँ पर क्या आएगा? उसने ही आएगा। यहाँ पर चेंजेस नहीं होगा। ये शब्द जो होते हैं ना, सभी के लिए कॉमन होते हैं। गीता बाजार गई, चाहे सीता बाजार गई, चाहे मीना बाजार गई, उसने वहां से सब्जियां खरीदी। तो आया बच्चों समझ में? तो अब हम इसके एग्जाम्पल को समझा है, इससे हमें इसकी डिफाइन के बारे में पता चला। तो चलो अब हम सर्वनाम की डिफाइन बनाते हैं। सर्वनाम की डिफाइन किस तरह से लिखेंगे, और साथ ही साथ सर्वनाम के शब्दों को भी समझते हैं कि उसका मीनिंग क्या होता है। जिस तरह से अभी हमने एग्जाम्पल को देखा, और एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया कि संज्ञा की जगह जो शब्द काम में आते हैं उसे ही हम सर्वनाम कहते हैं। तो अब हम डिफाइन भी इसी तरह से बनाएंगे, तो इसकी परिभाषा भी बनेगी। संज्ञा की जगह आने वाला शब्द। संज्ञा था, संज्ञा जैसे हमारा क्या था? सीता थी। तो सीता की जगह पे हमने दूसरे शब्द का प्रयोग किया, तो संज्ञा की जगह पर आने वाला शब्द ही सर्वनाम कहलाता है। क्लियर बच्चा? सर्वनाम की परिभाषा जानने के बाद अब हम उसके कुछ उदाहरणों को देखेंगे। इन उदाहरणों के द्वारा आप अपने सेंटेंस में से सर्वनाम शब्दों को पहचान सकते हो कि ये सर्वनाम शब्द होते हैं। जैसे मैं, तुम, आप, हम, मुझे, मेरा, तुम्हें, तुम्हारा, आपका, हमारा, यह, वह, ये, वे,
यहाँ वहाँ इसे उसे इन्हें उन्हें इसका उसका इसका आदि। ये सारे बहुत सारे इसके अलावा भी बहुत सारे उदाहरण होते हैं, पर जो मेन मेन थे मैंने यहाँ पर आपको लिखकर बताए हैं। तो ये सारे हमारे क्या है, सर्वनाम है, सर्वनाम के उदाहरण है। इसके द्वारा हम किसी भी शब्द किसी भी वाक्य में से सर्वनाम को पहचान सकते हैं। ये शब्द अगर आपको दिखे तो आप ये पता लगा सकते हो कि ये सर्वनाम है। ये नाम किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए या पर्टिकुलर किसी एक प्लेस के लिए या पर्टिकुलर एक थिंग्स के लिए यूज नहीं होते, ये सबके लिए यूज होते हैं। यहाँ पर जैसे ये मुझे शब्द है तो ये मुझे मैं अपने आप के लिए भी यूज कर सकती हूँ। जब आप खुद अपने बारे में बात करोगे तब भी आप अपना नाम यूज ना करके मुझे शब्द का यूज कर सकते हो। तुम्हें है, तुम्हारा है, तो ये हम सबके लिए यूज करते हैं। अगर हम किसी प्लेस के बारे में बोलते हैं कि यहाँ वहाँ इधर आओ उधर जाओ, तो ये सारे शब्द हम सभी के लिए यूज करते हैं। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, सर्वनाम। सर्व यानी सबका नाम। ये किसी पर्टिकुलर जैसे प्रीति कहा चाहे मोनिका कहा, तो ये एक पर्टिकुलर व्यक्ति को नाम बताते हैं, पर ये सर्वनाम होते हैं वो सबके लिए यूज होते हैं। इसीलिए ही इन्हें क्या कहा जाता है, सर्वनाम कहा जाता है, जो संज्ञा के स्थान पर नाम के स्थान पर यूज होते हैं। अब इससे जुड़े हुए हम एक एक्टिविटी करेंगे, एक अभ्यास भी करेंगे, जिसमें आपको सर्वनाम शब्दों को पहचान कर उस पे सर्कल करना है। तो चलो अब हम आगे की एक्टिविटी भी देखते हैं, सर्वनाम से जुड़ी हुई एक एक्टिविटी करते हैं। यहाँ पर सर्वनाम शब्द पर गोला लगाइए। यहाँ मैंने कुछ शब्द लिखे हैं, एग्जाम्पल लिखे हैं, उसमें से आपको सर्वनाम शब्दों को पहचान कर उस पर क्या करना है, सर्कल करना है। तो मैं फर्स्ट रीड करती हूँ, पुस्तक, गेंद, यह और राम। यहाँ पर चार शब्द दिए हुए हैं, पुस्तक, गेंद, यह और राम। तो यहाँ पर इन चारों में से हमें सर्वनाम शब्द को पहचानना है। तो मैंने जैसे आपको अभी एग्जाम्पल में सर्वनाम शब्द बताए थे, उसमें से क्या आएगा, यह। तो हम यह को सर्कल करेंगे, क्लियर। नेक्स्ट हमारा है क्रोध, प्यार, फूल और वह। तो क्रोध सर्वनाम नहीं है, प्यार भी नहीं है, फूल भी सर्वनाम नहीं है, यहाँ पर सर्वनाम शब्द क्या है, वह, क्लियर। नेक्स्ट है उधर, घर, मंदिर और लाल। तो घर, मंदिर और लाल, इसमें से तीनों में से कोई भी सर्वनाम नहीं है। हमारा सर्वनाम क्या है, यहाँ पर उधर। उधर किसी प्लेस को बताता है, इधर उधर ये सब क्या बताते हैं, किसी प्लेस को बताते हैं। सोना, तुम, पढ़ना और खाना, तो इसमें से सर्वनाम शब्द पहचानो, क्या आएगा, तुम आएगा। सोना, पढ़ना और खाना, ये तीनों सर्वनाम शब्द नहीं है। सीता, शरबत, आप और लोटा, तो इसमें से क्या आएगा, आप आएगा। आप शब्द क्या है, सर्वनाम है। ओके, क्लियर। इसी तरह की और एक्टिविटी भी है, आई विल शेयर पीडीएफ इन आवर व्हाट्सएप ग्रुप, सो इसको हम और वहां पर अच्छे से क्लियर करेंगे। आई होप आप सबको सर्वनाम का जो ये टॉपिक था हमारा अच्छे से समझ में आ गया होगा। सर्वनाम शब्द का अर्थ क्या होता है, सर्वनाम शब्द की परिभाषा क्या होती है, किसे कहते हैं, और साथ ही साथ में हमने उसके उदाहरण भी देखे। आज के इस वीडियो में हमने जो कुछ भी समझा, आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड बाय एंड टेक केयर, हैव ए नाइस डे।